उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनती है तो गुंडे और अपराधियों पर वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे पहले इन्हें बिल में घुसाया था। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथी हाथ में अन्न लेकर संकल्प करने का नाटक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा, मैं प्रदेश वासियों को आश्वस्त करता हूं कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो वह फिर से पेशेवर गुंडों अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले इन्हें बिल के अंदर घुसाया था। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें जिन्ना प्रेमी बताते हुए दंगाइयों और आतंकवादियों का साथी कहा। उन्होंने कहा कि ये लोग आज हाथ में अन्न लेकर किसानों का हितैषी होने का स्वांग कर रहे हैं। योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने पेशेवर अपराधियों और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। कैराना से लेकर बुलंदशहर तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं उनमें कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के जिम्मेदार अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री शीटर्स को अपना कैंडिडेट बनाकर समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को देश प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। उन्होंने आगे कहा, उनकी सूची में इस बात को साबित कर दिया कि उनका सामाजिक न्याय गरीबों, दलितों, पिछड़ों, व्यापारियों, सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों को आश्रय देकर उन्हें आगे बढ़ाने की अपनी प्रवृत्ति से आज भी पीछे हटे नहीं हैं। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों का पूरे प्रदेश में खौफ हुआ करता था। आज यही गुंडे जेल की सलाखों के पीछे हैं, वरना कहीं छिपकर बैठे हैं। जिस पुलिस पर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी सरकार में हमले होते थे उसी पुलिस के सामने अब गुंडे सामने आने से रोते हैं। आए दिन योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस नए मुकाम हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अकेले 2022 में विभिन्न मुठभेड़ों में 26 कुख्यात ढेर कर दिए। 2020 की तुलना में पंजीकृत मुकदमों में 4.4% की कमी आई है। डकैती की घटनाओं में 40%, लूट की घटनाओं में 23%, बलात्कार के मामलों में 17%, हत्या की घटनाओं में 11% की कमी आई। अकेले 2021 के विभिन्न मुठभेड़ों में 3,910 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत 9,933 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। पूरे 4.5 वर्षों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब तक अपराधियों के 1900 करोड़ रुपए के साम्राज्य को ध्वस्त किया है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के बदमाश खुद तख्ती लटकाकर थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं कि जेल में ले चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।